डॉनर पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में खेल और फिटनेस गतिविधियों के लिए उत्साह एक सर्वविदित तथ्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री डॉनर बनने से पहले से ही इन खूबसूरत भूमि की मेरी यात्रा में यह स्पष्ट था। अब जब लवलीना बोरगोहिन ने हमें टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए दूसरे पदक की गांठी दी है, एक पूर्व विश्व चैंपियन को हराने के बाद, यह मेरे दिल को गर्व से भर देता है। मेरी तरह ही यह न केवल हर असमिया के लिए बल्कि हर भारतीय के लिए खुशी का क्षण है। असम के गोलाघाट जिले के बरोमुखिया गांव की एक युवती को टोक्यो ओलंपिक में पोडियम पर आते हुए देखना मुझे बहुत खुशी से भर देता है। इससे पहले दिन में मंत्री ने ट्वीट किया #Tokyo2020 पर महिला वेल्टरवेट वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश करने पर लवलीना बोरगोहाई को बधाई। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली असम की पहली महिला मुक्केबाज अब #Tokyo2020 में भारत के लिए पदक हासिल करने वाली पहली मुक्केबाज हैं। लवलीना की लड़ाई की भावना और कभी न हारने वाला रवैया जब जाहिर है। हम में से कई लोगों ने लवलीना को लॉकडाउन के दौरान गैस सिलेंडर के साथ ट्रेन करते देखा होगा। यह नारी शक्ति है जिसके बारे में प्रधानमंत्री बात करते हैं और चाहते हैं कि हम जश्न मनाएं। लवलीना का टोक्यो में सफर अगले हफ्ते सेमीफाइनल मुकाबले में जारी रहेगा। भारत उसे खुश करेगा और हर घर उसे अपने में से एक के रूप में मानेगा, क्योंकि वे उसकी भूमि को उन प्रसिद्ध घूंसे से देखते हैं। आज हम जश्न मनाएं कि हमने अब तक जो दो पदक जीते हैं, वे दो अद्भुत किरकिरी महिलाओं के कारण हैं, जिन्होंने सभी बाधाओं के खिलाफ डटे रहे।